भतीजे अजीत पवार की हुई एनसीपी। अब क्या करेंगे चाचा शरद पवार? शरद पवार के पास क्या है विकल्प? भतीजे और चाचा की लड़ाई में भतीजे ने बाजी मार ली है। चुनाव आयोग के फैसले ने भतीजे अजीत पवार की जीत और शरद पवार की हार तय कर दी है। मंगलवार को एनसीपी के शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि ये फैसला सभी सबूतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि चाचा शरद पवार के पास क्या विकल्प रह जाता है? राजनीति के धुरंधर के अपने ही परिवार से मिली इस करारी हार के बाद अब वो क्या करेंगे? क्या अब भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनकी एनसीपी एक बार फिर उनके झोले में आ जाए? हालांकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद आगे क्या होगा, इस पर रणनीति शरद पवार ही बना रहे होंगे। सबसे पहले अब ये कहा जा रहा है शरद पवार गुट अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बारे में शरद पवार गुट के सीनियर लीडर जयंत पाटिल ने अपना बयान दिया था कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अब वही हमारी अंतिम उम्मीद है। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अब सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव आयोग के इस फैसले पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही पाटिल ने यह भी दावा किया कि पार्टी शरद पवार के साथ है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया शरद पवार ने इस पार्टी की जमीनी स्तर से खड़ा किया है। इतना ही नहीं, पार्टी के कई नेताओं की शरद पवार ने मदद भी की है। वहीं शरद पवार से पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले का भी बयान आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बोला है। इसका सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है? तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों में जाएंगे। लेकिन आगे की क्या होगी? अरे अरे, हाँ हाँ बिल्कुल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन सिंबल अभी जो चुनाव आयोग को जो ऑप्शन देने वाले, हाँ वो कल दे देंगे। कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक तीन नाम और तीन सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल वो। बहरहाल शरद पवार के पास अब एक ही विकल्प है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब देखने वाली बात यह होगी शरद पवार का गुट कब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है तो उसका फैसला क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।